नमस्कार, आप देख रहे हैं राही न्यूज, आपके साथ मैं रश्मि कश्यप। और आगे आपको दिखाते हैं बड़ी खबर जिला हरिद्वार के पथरी क्षेत्र से। पथरी क्षेत्र के ग्राम में बृहस्पतिवार की शाम को सीसीटीवी फुटेज देखने को लेकर हुए विवाद में पुलिस की मौजूदगी में हुए गाली गलौज और अभद्रता मामले में शुक्रवार को हिंदू जागरण मंच, कश्यप दल फाउंडेशन तथा भैरव सेना के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने फेरूपुर चौकी पर एकत्र होकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। हिंदू जागरण मंच के जिला उपाध्यक्ष लोकेश कुमार पदार्था स्थित जिला पंचायत सदस्य नसीम अंसारी के घर सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए गए थे, लेकिन आरोप है कि जिला पंचायत सदस्य नसीम अंसारी तथा उनके बेटे सुहेल ने पुलिस की ही मौजूदगी में लोकेश कश्यप के साथ गाली गलौज की तथा उनकी मोटरसाइकिल को भी नीचे गिराकर उसमें तोड़फोड़ कर दी है। सीसीटीवी चेक करते समय नसीर के लड़के सुहेल ने लोकेश कश्यप को गालियां देनी शुरू कर दी और साथ ही पास खड़े पुलिस कांस्टेबल के हाथ से डंडा छीनकर लोकेश को पीटने की भी कोशिश की गई है और उसकी मोटरसाइकिल को भी तोड़ दिया गया है, जिसकी तहरीर देने के लिए कश्यप दल फाउंडेशन व हिंदू जागरण मंच की टीम फेरूपुर चौकी पहुंची, जहाँ सभी कार्यकर्ताओं ने चौकी पर घेराव किया, जिसके बाद थाना प्रभारी ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मौके पर कश्यप दल फाउंडेशन व हिंदू जागरण मंच की टीम उपस्थित रही। एक्चुअली ये जो मामला आया है, हमारे सामने रात में ही फ़ोन आ गया था किस प्रकार की घटना हुई है। धनपुरा गांव में जो अपने कश्यप समाज के लोकेश कश्यप जी हैं, जो कश्यप दल फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि वो रात को जब उनका दो दिन से टेम्पू गायब था, तो वो टेम्पू मिलने के बाद पुलिस वालों के कहने पर यहाँ के जो जिला पंचायत हैं नसीम जी, उनके घर पर गए और पुलिस वाले भी वहीं पर उपस्थित थे और उन्हीं के संरक्षण में उन्हें बुलाया गया और उनके साथ में गाली गलौच मार पिटाई की पूरी हरकत की गई है। पुलिस वालों का डंडा भी छीन करके उन्हें पूरा धमकाया गया, उनकी गाड़ी को भी डैमेज किया गया है। उसी प्रकरण में हम यहाँ आज फेरूपुर चौकी में उपस्थित हुए हैं और इकट्ठे एक साथ हिंदू जागरण मंच की पूरी टीम और कश्यप दल फाउंडेशन की पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। तो आपने जो तहरीर दी, अभी तहरीर ले ली गई है? हाँ, तहरीर ले ली गई है और यहाँ के जो अपने थाना प्रभारी हैं उन्होंने तहरीर भी ली और उस पर उचित कार्रवाई कर रहे हैं। तुरंत मुकदमा लिखने की उन्होंने बोल दिया है, इसमें तुरंत मुकदमा वो कर रहे हैं और तुरंत इस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, इससे पहले भी कोई ऐसी घटना हुई? इस प्रकार की घटनाएँ होती रहती हैं समाज में और कई प्रकार की घटनाएँ पहले भी हो चुकी हैं। ऐसी मारपिटाई की घटना आपने जयपोता कांड देखा होगा, वहाँ पर भी हुई है। अभी आपने हथियातल वगैरह में भी देखा, वहाँ पे भी इस प्रकार की घटना हुई है। तो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और समाज को जागरूक भी रहना होगा, प्रशासन को सबसे सख्त कार्रवाई करनी होगी। इस प्रकार के जो उद्दंडी तत्व हैं, जिनके ज़्यादा पैर ऊपर उछल रहे हैं, उनको मतलब प्रशासन को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हमें कॉल आई कि हमारा टेम्पो चोरी हुआ था, हमें कॉल आई कि सीसीटीवी कैमरे फोटेज चेक करने हैं और आप यहाँ पर आ जाओ जिला पंचायत के घर पर। हम वहाँ पर पहुँचे, उसके बाद जब हम वहाँ पे पहुँचे, उसके बाद उसके लड़के ने हमारे साथ बदतमीजी की, कहने लगे तुम कैसे अंदर घुस गए, ये वो करके गाली गलौच की। फिर उसने मैं वहाँ से निकला, जब बाहर निकला तो उसके बाद मैं चाबी अपनी मोटरसाइकिल में लगाई ली, वो चाबी छीन के अंदर चले गए और वहाँ पे पुलिस वाले भी रहे, लेकिन फिर भी गाली गलौच करते रहे। वो कहते रहे, कहने लगे क्या हिंदू जागरण मंच, क्या ये जिला अध्यक्ष, ये वो फलाना ढिगड़ा, बहुत गाली गलौच की उन्होंने और फिर मेरी गाड़ी घेर के उसमें तोड़फोड़ भी की, उसने लात मारी, कुछ भी। अच्छा, तो आपने तहरीर दी है, तो अभी क्या सुनवाई की गई? हमने जो तहरीर दी है वो बोला है एसओ साहब को कि हमने ये तहरीर दी है, उसमें वो कह रहे हैं आश्वासन कुछ नहीं, वो कह रहे हैं मुकदमा दर्ज करें। पुलिस प्रशासन को हमने पूरा प्रकरण जो है बताया, जो नसीम अंसारी और उसका पुत्र है उनके खिलाफ जो है पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि वो कार्रवाई करेंगे और पुलिस प्रशासन का जो व्यवहार भी रहा वो भी कोऑपरेटिव रहा, मतलब उन्होंने बात को अच्छे से सुना और कार्रवाई की और मतलब लगता है कि कार्रवाई होगी, अच्छे से कार्रवाई होगी। ये सुनने में आया है कि जैसे ही लोकेश जी बाहर आए सीसीटीवी फुटेज देख के, तो उनका लड़का था या उनके साथी भी थे कुछ लोग, उन्होंने आके बाइक पर लात मारी और संगठन को अभद्र तरीके से भाषा का प्रयोग किया गया और मारपिटाई भी करी और डंडा वंडा भी छीनने का प्रयास किया गया। तो क्या अभी कार्रवाई की जा रही है? अभी हमने कार्रवाई के लिए तहरीर दी है और प्रशासन की ओर से हमें आश्वासन किया दिया गया है कि जल्द इस पर कार्रवाई होगी और उनको जो है तुरंत अरेस्टिंग की जाएगी। कल रात को जो है हमारे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता हैं लोकेश पाल जी, उनके साथ यहाँ इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हैं नसीम जी और उनके पुत्र द्वारा जो है बहुत अभद्रता की गई, गाली गलौज की गई, जान से मारने की धमकी दी गई, जिस कारण से आज पूरे हरिद्वार जिले के कार्यकर्ता आज यहाँ चौकी में पहुँचे और यहाँ के थाना अध्यक्ष जिसे इस विषय वार्ता हुई और उन्होंने जो है अभी आदेश भी दिया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ प्रभावी धाराओं में मुकदमे करने के भी आदेश उन्होंने दे दिए हैं। तो आपने जो तहरीर दी अभी वो ले ली गई तहरीर? हाँ, तहरीर एक्सेप्ट कर ली है और उन्हें क्या बोलते हैं अपने
अधीनस्थ जो कर्मचारी है उसे भी बोल दिया है कि इस पर तुरंत जो है तत्काल प्रभाव से मुकदमा लिखा जाए।